सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां पे इंग्लैंड ने टीम इंडिया को एक इनिंग और 74 रनों की करारी हार दी। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। इस मैच से पहले टीम इंडिया पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर थी, लेकिन अब टीम इंडिया काफी नीचे खिसक गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के रिजल्ट के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, और अगर आप भी क्रिकेट के फैन है, टीम इंडिया के फैन है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी क्विक अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन टीम इंडिया का यह फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि टीम इंडिया अपनी पहली इनिंग में 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में काफी शानदार बल्लेबाजी की, जहां पे इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज काफी अच्छी फॉर्म में दिखे, स्पेशली कप्तान जो रूट, जिन्होंने की 121 रनों की शतकीय पारी खेली और इंग्लैंड की टीम को 432 रन तक पहुंचाने में मदद की। खेल के तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाकर सिर्फ 2 विकेट ही खोए थे, लेकिन खेल के चौथे दिन टीम इंडिया ने अपने बचे हुए 8 विकेट सिर्फ 63 रन जोड़कर गंवाए। तीसरे दिन बेहतरीन बैटिंग करने वाले चेतेश्वर पुजारा अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ सके और ओली रॉबिन्स की गेंद पर 91 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा के आउट होने के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 22 रन ही लगे थे। कप्तान विराट कोहली सीरीज का पहला अर्धशतक बनाने के बाद रॉबिन्सन का शिकार बने। उप कप्तान अजिंक्य राणा ने एक बार फिर निराश किया और सिर्फ 10 रन बना के चलते बने। ऋषभ पंत भी बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने आखिर में कुछ दमदार शॉट्स लगाकर पारी की हार टालने की कोशिश की, पर क्रेग ओवर्टन ने उनकी 25 गेंदों पर खेली 30 रनों की पारी का अंत कर दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में पहले नंबर से फिसल कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। टीम इंडिया की हार का सबसे ज्यादा फायदा हुआ पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। दोस्तों, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 1 जीता है और 1 हारा है। उनके 12 पॉइंट्स है और उनके 50% है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम भी पहले नंबर पे है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके भी सेम पॉइंट्स है और सेम परसेंटेज है। वेस्ट इंडीज की टीम ने भी अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही खेले हैं। उनमें से 1 जीता है और 1 हारा है। उनके 12 पॉइंट्स है और उनके भी 50% है। दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया आ गई है तीसरे नंबर पे, जो कि टीम इंडिया ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 1 जीता है, 1 हारा है और 1 ड्रॉ रहा है। हालांकि दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया के 2 पॉइंट्स भी काटे गए हैं स्लो ओवर रेट के चलते। तो दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया के 14 पॉइंट्स है और 38.88 का परसेंटेज है। तो वहीं दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड की टीम को जीत के बाद कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी कि 4th नंबर पे है। इंग्लैंड की टीम ने भी 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ ही खेले हैं। 1 जीता है, 1 हारा है, 1 ड्रॉ रहा है। उनके भी 2 पॉइंट्स काटे गए हैं स्लो ओवर रेट के चलते। उनके 14 पॉइंट्स है और उनके भी 38.88% है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।